सातवां सूत्र बोलेंगे, मूर्तत्वेपि न संघात योगात तरणीवत। मूर्तत्वेपि, मूर्त होने पर भी, सूक्ष्म शरीर के लिए कहा जा रहा है कि वो मूर्त है यानी जड़ है, तो भी उसके द्वारा अकेले ये कार्य नहीं किया जा सकता। प्रसंग ये चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर अकेले ये सारा क्यों नहीं कर देता, स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता है। उसके लिए कह रहे हैं कि हाँ, यद्यपि वो मूर्त है, जड़ है, जड़ पदार्थ से बना है, मूर्तत्वेपि न, ये अपने आप कार्य नहीं कर सकता, इसकी स्वतंत्रता नहीं है, इसके लिए स्थूल चीज चाहिए। उदाहरण के लिए कहा संघात योगा तरणीवत, तरणी का मतलब सूर्य की रश्मियां। सूर्य की रश्मियां मूर्त हैं या अमूर्त हैं? क्यों मूर्त है? जड़ वस्तु है, दिखाई देती है, प्रकृति से बनी है, सूर्य से बनी है, ठीक है। वो तरणी के उसमें मूर्त है, वो समूह रूप में है, और वहां से जो आज के वैज्ञानिक बोलते हैं जो कण आते हैं, फोटोन कण आते हैं, उनके बंडल, वो ऊर्जा के कण, वो समूह आते हैं, बंडल बोलते हैं उसको, वो चल के आ रहे हैं। लेकिन प्रकाश वहां से चल के आ रहा हो और यदि बीच में कोई संघात अगर नहीं हो तो सूर्य के प्रकाश का हमें कुछ पता नहीं लगेगा। सूर्य का प्रकाश जैसे अंतरिक्ष में भी आ रहा है, उपग्रह आदि ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाकर के अंधेरा हो जाता है या प्रकाश रहता है? अंधेरा हो जाता है। कैसे? जबकि प्रकाश तो आ रहा है वहां पर, जिसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है वहां तो वो प्रकाशित होगा, और बाकी दूसरी जगह पे वहां कुछ भी, कोई आधार संघात दूसरा है ही नहीं, तो प्रकाश के जाते हुए भी वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। सूर्य का प्रकाश मान लो सब जगह फैल भी रहा है तो अंतरिक्ष में, तो क्योंकि कोई दूसरा आधार नहीं है जिससे टकरा करके प्रकाश परावर्तित होकर हमारे तक आए, आंखों तक, वो तो निकल जा रहा है, तो जहां वो टकराता है वहीं हमारे को वो दिखाई देगा। तो जैसे सूर्य का प्रकाश, तरणी किरणें आते हुए भी यदि कोई बीच में आधार संघात नहीं है तो वो प्रकट नहीं हो सकता, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर यद्यपि मूर्त है, जैसे प्रकाश मूर्त है, सूक्ष्म शरीर भी मूर्त है, लेकिन जब तक स्थूल शरीर नहीं होगा वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता, कार्य नहीं कर सकता, इसलिए स्थूल शरीर की तो फिर भी आवश्यकता है। अगला सूत्र 14वां बोलिए, अणु परिमाणम तत्कृति श्रुते है। ये सूक्ष्म शरीर का परिमाण कितना है, फैलाव कितना है, तो वो यहां पर है। इन्होंने लिखा अणु परिमाणम, उसका परिमाण तो अणु ही है, बहुत सूक्ष्म है वो भी। सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर जैसा बड़ा डब्बे में डब्बा और बिल्कुल वैसा ही बड़ा, ऐसा नहीं है। और जिस शरीर में गए, अगर शरीर के जितना अंदर मानते हैं बिल्कुल, तो जिस शरीर में गए उस शरीर जैसा फिर वो होगा, अलग अलग, ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा शरीर के जितने आकार का नहीं होता, सूक्ष्म होता है, और भिन्न भिन्न शरीरों में चाहे छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव है उसमें भी वो रह सकता है, इतना सूक्ष्म है, उनसे भी सूक्ष्म है, बड़े शरीर में भी उतना ही है, छोटे शरीर में भी उतना ही, ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर भी, ये इतना अनुरूप सूक्ष्म है कि जो छोटे से छोटा भी जीव है, बैक्टीरिया है, बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है कोई, उसमें भी जैसे आत्मा रह सकता है ऐसे ही उसमें सूक्ष्म शरीर भी रह सकता है, वो इतना छोटा है जी, वो बिल्कुल छोटा है। आजकल वो बहुत सूक्ष्म जो तकनीकी आ गई है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल छोटे 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 छोटा चिप, छोटी ये छोटी वो छोटी, सब बहुत छोटी छोटी, कहीं तो अपने को पता ही नहीं लगता इतने छोटे में ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन होता है वो भी। तो ऐसे ये सूक्ष्म शरीर में ये इतना छोटा है और उसी में सारे संस्कार रहते हैं और उसमें भी मन में रहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर में से भी छोटा उसका एक भाग ये सूक्ष्म शरीर है, एक का मन है, सारे संस्कार उतने से में रहते हैं, और कंप्यूटर में और इतनी हार्ड डिस्क में और छोटे में, इसमें इतने में सारी सूचनाएं कैसे आ गई, हमको ये भी आश्चर्य लगता है,
जिन हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार वो सब उसमें सूक्ष्म में ही उसी में आ जाते हैं, इतनी सामर्थ्य है इसकी तो प्रकृति की, इतना उसमें रह सकता है। तो परमात्मा ने इतनी छोटी चिप बना रखी है, उसमें सारा भरता रहता है, भरता रहता है। चिप को चित कह लीजिए। तो अणुपरिमाणम तत्कृति श्रुते, वो अणुपरिमाण क्यों है, छोटा क्यों है, तो तत्कृति श्रुते, उसकी कृति की श्रुति रहती है। शब्द प्रमाण मिलता है कि वो बनता है, और जो चीज बनती है वो विभू नहीं हो सकती, और ये बहुत सूक्ष्म चीजों से बनी है, इसलिए सूक्ष्म ही है। अणुपरिमाणम तत्कृति श्रुते। इस सूत्र की व्याख्या कुछ लोग मन का अर्थ लेकर के भी करते हैं, जैसे आपकी पुस्तकों में कर रखी है कि यहां मन के बारे में है, लेकिन चूंकि प्रसंग पीछे सूक्ष्म शरीर का ही चल रहा है तो उस दृष्टि से यहाँ सूक्ष्म शरीर अधिक संगत लगता है। मन के रूप में भी ले लेंगे तो ठीक है, मन भी अणु होता है। अगला सूत्र 15वां बोलिए, तदन्नमयत्व श्रुतेश्च। और ये कैसा है, ये अन्नमय है, अन्नमय है। अब इसके भी सूत्र के दो तरह से अर्थ होते हैं, श्रुतेश्च ऐसी श्रुति होने से। तो ये सूक्ष्म शरीर अन्न से पुष्ट होता है, ये एक अर्थ इस सूत्र का लिया जाता है उपनिषदों में। और इसमें मन के संदर्भ में तो आता ही है कि हमारा जो अन्न होता है उसका स्थूल भाग वो तो मल बनता है, पुरुष बनता है, और उसका जो मध्य का भाग होता है उससे मांसादि बनते हैं, और उसका जो सूक्ष्म भाग होता है भोजन का उससे मन बनता है, वो पुष्ट होता है। तो इसके आधार पर कुछ तो ये अर्थ लेते हैं कि अन्न से यानी जो हम भोजन करते हैं उससे हमारे मन का भी पोषण होता है, सूक्ष्म शरीर का भी पोषण होता है। एक तो ये अर्थ हुआ, अब वो संगत लग जाता है तो ठीक है, वो भी लग जाएगा। दूसरा, जो अभी मेरे को उधर अधिक झुका, उस तरफ अधिक झुकाव है कि भोजन आदि जो अन्न करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, उनके सत्वर स्तंभ के ऊंचे नीचे होने की दृष्टि से। और गोलकों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर पर भी हमें प्रभाव प्रतीत होता है। तो अन्न का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, इसकी श्रुति होती है। तो अन्नमयम ही सौम्य मनः है, मन के बारे में बात। ये पंक्ति जो आधार दिया गया वो मन का दिया गया है छांदोग्य उपनिषद का। आगे अगला सूत्र बोलेंगे, पुरुषार्थम संस्कृति ही लिंगानाम सूपकारवत राज्य। ये जो लिंग है यानी सूक्ष्म शरीर है, इसकी संस्कृति गमन गति किसके लिए होती है, पुरुषार्थम, पुरुष के लिए यानी आत्मा के लिए होती है, और किसी के लिए कार्य नहीं करेगा। जिस आत्मा के लिए ये मिला हुआ है उस आत्मा के लिए कार्य करता रहता है, गति करता रहता है। कैसे, तो एक लौकिक उदाहरण दिया, सूपकारवत राज्य। सूपकार कहते हैं रसोइये को, दाल आदि जो पकाता है, सूप को पकाता है भोजन बनाने वाला पाचक। जैसे वो राजा के लिए कार्य करता है, राजा का पाचक है तो वो राजा के लिए भोजन बनाएगा, औरों के लिए नहीं, राजा के लिए, उससे संबंधित उनके लिए ही बनाएगा। ऐसे ही ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर आत्मा पुरुष के लिए है, तो उसी के लिए वो सारी गतिविधियां करता है और किसी के लिए नहीं। आगे, अब ये जो स्थूल शरीर है इसके बारे में कुछ और चर्चा चल रही है। 17वां सूत्र बोलेंगे, पांच भौतिको देह। ये देह मतलब स्थूल देह, स्थूल शरीर कैसा है, पांच भौतिक है, पांच भूत इसमें रहते हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ये पांच जो महाभूत हैं, ये पांचों यहां पर हमें उपलब्ध होते हैं, तो इसको कुछ लोग पांच भौतिक कहते हैं। अगला सूत्र बोलिए, चातुर्भौतिकम इति एके। कुछ लोग इसको चार भूतों से बना हुआ मानते हैं। एक कौन सा छोड़ते हैं, आकाश को छोड़ देते हैं, बोले आकाश तो सब जगह वैसे ही विद्यमान है, चार भूतों से बना है, आकाश का क्या इसमें, इसलिए वो कहते हैं चातुर्भौतिक है, चार भूतों से बना हुआ है। अगला सूत्र, एक भौतिकम इति अपरे। कुछ मानते हैं कि ये एक ही भूत से बना हुआ है, एक भूत मतलब पृथ्वी भूत से, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, पृथ्वी से, पृथ्वी तत्व से बना है,
इसका मूल जो चीज है वो पृथ्वी है। तो पंचभूतात्मक इस दृष्टि से कि पांचों भूत यहाँ उपलब्ध होते हैं, अपनी अपनी क्रियाएं वहां पर होती हैं। चतुर्भौतिक अलग दृष्टि से कहा जा रहा है, उसमें आकाश को छोड़ करके, वो तो सर्वव्यापक है, उसके अतिरिक्त चार से बनाए। और जो एक भौतिक मानते हैं यानी पृथ्वी से बना हुआ मानते हैं, तो वो कहते हैं कि उपादान के रूप में तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व ही है, बाकी चीजें तो उसमें बस साथ में जुड़ी हुई हैं, वो उपादान के रूप में नहीं है, मूल आधार तो इसका पृथ्वी है। ठीक है, आजकल की जो आइसक्रीम आती है उसका आधार क्या होता है? आइसक्रीम आती है ना आजकल कंपनियों की जो आती है, वो कप में जो आती है उसमें मान लो दूध है और कुछ है, वो कुछ चीजें हैं। अच्छा, उसके अंदर वो जो मुंह में डालते हैं तो वो थोड़ा सा कैसे हो जाता है? यूं तो फूला फूला सा लगता है ना, वो फिर थोड़ा सा वो छोटा कम क्यों हो जाता है? फूला हुआ होता है तो उसमें क्या डाला हुआ होता है? फूला हुआ होता है, जैसे झाग होते हैं ना, झाग होते हैं ना, झाग इतने सारे दिखते हैं, मान लो कपड़े धोते हैं तो इतना सारा दिखता है ना, उसको यूं कर दो तो थोड़ा सा होता है, तो वो उसको ऐसा करते हैं, उसमें वायु डालते हैं उसको झाग से, तो वो पैसा फूला फूला सा लगता है। तो जो झाग होते हैं तो झाग में क्या क्या चीजें होती है? उसमें वायु होती है, ये भी बोलते हैं क्या हम? एक दृष्टि से कह सकते हैं, एक दृष्टि से कहते हैं नहीं ये तो झाग में तो मतलब पानी है, साबुन है, बस यही है, झाग को नहीं गिनेंगे उसमें, वो तो वैसे ही अंदर है साथ में। ठीक है, ऐसे ही इस ये जो शरीर है इसमें मूल आधार क्या होगा? पृथ्वी। अब इसमें अंदर खून बह रहा है, उसमें पानी बह रहा है, वो तो बस बह रहा है, वैसे आधार थोड़ा है, उसको पृथ्वी ने आधार कर रखा है, रोक रखा है। अब कोशिकाएं हैं, अब कोशिकाओं में भी जलीय तत्व भी है, वायु तत्व भी है, ऑक्सीजन भी जा रही है ना, वो भी तो आ जा रही है, लेकिन वो आधार नहीं है उसका, वो तो आना जाना चल रहा है बस। उसमें पानी है, पानी कोशिकाओं में भी है, तो वो तो उसमें अंदर है, उसको थाम के किसने रखा है पानी को वहां पर? ठोस चीज ने। तो इस रूप में जो उपादान है, आधार है, वो तो पृथ्वी भूति है, और बाकी जो चीजें हैं वो तो वहां साथ में रखी हुई हैं। अब किसी का घर हो, कमरा हो, तो घर किस किस चीज से बनाए? और सीमेंट, लोहा और ये, और वो जो अंदर के लकड़ी के सामान है, टेबल, कुर्सी, सोफा, अलमारी, बल्ब, ये वो नहीं घर में बने हैं क्या? वो नहीं है क्या उसमें शामिल? होते हैं पर रखे हैं बस वैसे। आधारभूत जो ढांचा है वो तो अलग चीज से बना हुआ है, इस दृष्टि से कहते हैं। आजकल के मकान सीमेंट से बने हुए, ऐसे बोल देते हैं। तो पृथ्वी इसका आधार है, इस दृष्टि से कहते हैं ये एक भौतिक है। अग्नि उसमें अंदर विद्यमान है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी, अवकाश भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन आधार इसका पृथ्वी है, उस दृष्टि से कहता है एक भौतिकम, एक भूत से बना ये। तो अलग अलग दृष्टि से पांच भूत, चार भूत और एक भूत इस शरीर को इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो ये शरीर भूतों से बना है, इन जड़ तत्वों से बना है। अब कई बार ये प्रश्न आता है, जैसा कि आजकल के युग में काफी होता रहता है ये, कि भाई शरीर में ये अलग से चेतना को क्यों मानते हो आप? जैसे आधुनिक विज्ञान अलग से आत्मा, आत्म तत्व को अलग से नहीं मानता है, वो क्यों चेतना को तो मानते हैं, कॉन्शियसनेस है, ये जो जानता है, अनुभव करता है, ऐसा तो कॉन्शियसनेस तो है, उस पर भी बहुत अनुसंधान चल रहा है, लेकिन जैसे हम लोग आत्म तत्व को मानते हैं ऐसा तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये फिर क्या है भाई? जब ये भूत और ये भूत, मतलब उनकी दृष्टि से कहो तो ये जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मिल गए, मॉलिक्यूल्स मिले और कोशिकाएं बन गई और ये मिल करके बस उसका समूह है, एक ऐसा ढांचा बन गया, तो उसमें ये संवेदनाएं आ गई, बुद्धि बन गई, संवेदना होने लग गई, और बस ये चल रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ, हंस रहा है, रो रहा है, ये सब चल रहा है। तो कहां से आ गई चेतना? तो बस ये जब इतना समूह हो गया, होते 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 बस चेतना आ गई उसके अंदर, इस तरह से जो कथन होते हैं। तो ऐसा उस समय भी चलता होगा, तो
कोई ये कहे कि यहां पर शरीर में जो चेतनता है ये तो भूतों की अपनी चेतनता है, अलग से चेतन तत्व आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, उस संदर्भ में अगला सूत्र है, बोलिए, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येक अदृष्ट है। बड़े इसमें शरीर में चेतनता सांसिद्धिक नहीं है, इसकी स्वाभाविक नहीं है। शरीर में जो चेतनता दिखाई देती है, हम कहें जब से जन्म लिया है तब से चेतना है, और मर गया तो भी ठीक है, मरने के बाद नहीं, लेकिन अब तक तो रहती है, तो शरीर की चेतना इसकी अपनी स्वाभाविक है। अपने इस जो शरीर भौतिक शरीर दिख रहा है, स्थूल शरीर, इसी के कारण से अपनी चेतना है, ऐसा जो कहे तो होता है सांसिद्धिक चैतन्य। उसके लिए निषेध किया कि इस आत्मा में सांसिद्धिक चैतन्य नहीं है, इसका भूतों का शरीर का अपना अपनी चेतनता स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए उन्होंने एक हेतु दिया, प्रत्येक अदृष्टे है, इन भूतों में एक एक में हम देखते हैं तो एक एक में चेतनता नहीं दिखाई देती, इन सबके मिलने से चेतनता आई है ऐसा आप कहते हो, तो वो कारण में भी तो होनी चाहिए चेतनता कहीं ना कहीं, तो इनमें एक एक में जब ये भूत अलग अलग होते हैं इनमें तो चेतनता नहीं देखी जाती। शरीर जिन अणुओं से मिलके बना है, उन अणुओं को अलग अलग देखेंगे तो उनमें चेतनता नहीं मिलेगी, तो जब उन अणुओं में चेतनता नहीं है, परमाणुओं में चेतनता नहीं है, तो उनके मिलने से जो चीज बनी है उसमें चेतनता कहां से आ जाएगी, उसमें भी उसकी अपनी चेतनता नहीं है, चेतनता किसी अन्य कारण से, ये इनका सिद्धांत है। तो कहा न सांसिद्धिकम चैतन्य, इस शरीर में देह में चेतनता अपनी स्वाभाविक नहीं है, और उसके खंडन के लिए हेतु दिया प्रत्येक में न देखे जाने से, प्रत्येक भूत में प्रत्येक अणु परमाणु में चेतनता के न देखे जाने से, और हेतु दे रहे हैं। अगला सूत्र 21वां बोलिए, प्रपंचत्व आदि अभावश्च, यदि इसके घटकों में ही चेतनता मान ली जाए, अणुओं के परमाणुओं के भूतों के कणों में ही चेतनता मान ली जाए, उसी के आधार पर अगर इसमें चेतनता है, तब तो प्रपंचत्व यानी तो मृत्यु आदि फिर इसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो भूत हैं अणु हैं वो तो अभी भी हैं, उसमें मरा हुआ शरीर जो है उसमें भी है, वहां क्यों नहीं है फिर चेतनता। तो अगर ऐसी है तो प्रपंचत्व यानी मृत्यु आदि फिर होनी ही नहीं चाहिए, या तो शरीर ही नष्ट हो जाए बिल्कुल तब चेतनता नष्ट हो तो कह सकते हैं, लेकिन शरीर के रहते रहते चेतनता नष्ट हो जाए ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, यदि इन भूतों के कारण अणुओं परमाणुओं के कारण ही चेतनता है तो। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है, वो अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उदाहरण दे रहा है, तो 22वां सूत्र बोलेंगे, मद शक्ति वच्चेत प्रत्येक परिदृष्टे सौक्ष्म्यात सांगत्य तदुद्भव। वो कह रहा है कि मद शक्ति के समान समझा जा सकता है, मद शक्ति मतलब जैसे मद्य में होती है ना शराब में, तो उसमें नशा कब आता है, जब वो इकट्ठे होते हैं सड़ जाते हैं, उसका किण्वीकरण होता है, वो सारी प्रक्रिया होती है, तो अल्कोहल बन जाता है, वो नशा देता है। तो बोले देखो जैसे शराब में नशा नया उत्पन्न हो जाता है, अब उसको आप अलग अलग घटकों में देखोगे तो वहां नशा थोड़ा ना होता है, क्योंकि पूरे सिद्धांति ने ये कहा था ना कि प्रत्येक आदृष्ट है 20वें में, कि अलग अलग घटकों में नहीं देखा जाता है। तो बोले अलग अलग घटकों में तो शराब के भी जो घटक होते हैं उनमें भी तो जिनसे शराब बनती है, अंगूर के रस से या जो से या गन्ने के रस से, जैसे भी चावल से महुए से किसी से भी, उनमें तो नशा नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी जब एक विशेष रूप में समूह में आते हैं तो उसमें नशा आ जाता है। ऐसे ही ये जो तत्व हैं भूत परमाणु उनमें अलग अलग तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब समूह होता है तो ये चेतनता आ जाती है उसमें, तो जैसे शराब नशा उत्पन्न हो जाता है ऐसे ही चेतनता भी उत्पन्न हो जाती है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। तो कहते हैं मद शक्ति व चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि मद की शक्ति यानी मादक शक्ति ऐसी शराब के समान समझ लिया जाए तो उसका उत्तर दे रहे कि नहीं ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जिस मद शक्ति को आप कह रहे हो वो तो प्रत्येक परिदृष्टे है सौक्ष्म्यात, कि ये उन शराब बनाने के जो घटक हैं उनमें वो शक्ति उनमें सब में है मद को उत्पन्न करने की,
सूक्ष्मता से प्रत्येक में भी देखेंगे उसके घटक में, तो वहां वो शक्ति है उसमें मद को उत्पन्न करने की। और संघत्य तदुद्भव, अलग अलग होता है तो प्रकट रूप में नहीं है, जब समूह में आ जाता है तो प्रकट हो जाता है, लेकिन भूतों में तो सूक्ष्म रूप से भी देखें तो वहां चेतनता नहीं हमें उपलब्ध होती, इसलिए ये मिलकर के बन गए हैं ऐसा तो नहीं कह सकते। तो शरीर में चेतनता इसकी अपनी स्वाभाविक नहीं। हो गया, आगे देखिए। अब ये जो सारा विवेक चल रहा था, तो विवेक पैदा करना है, मुक्ति की कामना है और त्रिविध दुखों की निवृत्ति की इच्छा है, तो क्या उपाय है? सूत्र आ गया 23वां सूत्र, बोलिए, ज्ञानात मुक्ति ही। मुक्ति किससे होती है? ज्ञान से होती है। अब यहाँ ना तो कर्म लिखा ना उपासना लिखा, ज्ञान से मुक्ति होती है। और बंधन कैसे होता है? 24वां सूत्र अगला है, बंधो विपर्ययात्। बंध कैसे होता है? विपर्यय से। विपर्यय मतलब विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, ज्ञान का विपरीत जो होता है वो विपर्यय, जो चीज जैसी है उससे विपरीत समझ लेना, ये विपर्यय है। तो बंधन विपर्यय के कारण से होता है और मुक्ति ज्ञान के कारण से होती है। ठीक है, अब कोई कहे कि भाई ठीक है ज्ञान के कारण तो होती है, लेकिन दूसरों की भी तो सहायता होती है उसमें, कर्म और उपासना की भी, क्योंकि कर्म के कर्मयोगी भी बहुत हैं और भक्ति योगी, उपासना योगी, भक्ति योगी भी बहुत होते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये बोलते हैं ना अलग अलग, ये ज्ञान से मुक्ति होती है। तो बोले दूसरी भी तो चीजें हैं, उनसे भी तो कुछ होगा, ऐसा कोई सोच सकता है, तो उस आशंका को जड़मूल से हटाने के लिए अगला सूत्र है, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था आपको। बोलिए 25वां सूत्र, नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ। नियत कारण होने से, निश्चित कारण होने से, यही निश्चित अटल कारण है मुक्ति का, और बंधन का भी ये निश्चित अटल कारण है। जब तक विपर्य है बंधन रहेगा, ज्ञान होते ही मुक्ति हो जाएगी। नियत कारण होने से न समुच्चय, समुच्चय नहीं है कि ज्ञान के साथ साथ और भी हो जाए, वो भी श्रेय ले लें कि हाँ हमारे कारण भी मुक्ति हुई है। अनेक मिलकर के जब किसी कार्य को करते हैं तो कहेंगे कि नहीं ये अकेला नहीं कर रहा है, समुच्चय है इसका। प्रधानमंत्री अकेला कार्य नहीं करता है, बहुत सारे सचिव होते हैं, बहुत सारा तंत्र है, हजारों लाखों लोग लगे, तब मिलकर के कार्य होता है, वहां समुच्चय है, एक नहीं कर सकता। एक बोरी को दो जने उठा सकते हैं तो अकेला नहीं उठा सकता, तो यहाँ समुच्चय है, दो ही उठा सकते हैं, एक नहीं उठा सकते। चट्टान को 10 जने उठा सकते हैं तो 10 ही उठा सकते हैं, एक नहीं उठा सकता। तो बोले ये जो मुक्ति देना है इसमें ज्ञान के साथ और किसी का समुच्चय नहीं है, कोई और साथ में नहीं जुड़ता है, यानी अकेला ज्ञान मुक्ति को देता है, अकेला ज्ञान न समुच्चय। तो ठीक है चलो ज्ञान अकेला मुक्ति को देता है मान भी लिया, तो ठीक है अकेला कर्म भी मुक्ति को देता है ऐसा मान लेंगे, अकेली उपासना भी मुक्ति को दे लिया, ज्ञान भी अकेला दे देता है। जैसे कि एक बाल्टी पानी उठाना है तो राम भी उठा सकता है, श्याम भी उठा सकता है, मोहन भी उठा सकता है, राम अकेला उठा सकता है, उसमें किसी के समुच्चय की जरूरत नहीं है, दो को उठाने दो की जरूरत नहीं है, तीन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भले ही वो अकेला कर सकता हो लेकिन श्याम कहेगा मैं भी उठा सकता हूं, उसके उठाने में विकल्प है, ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है। दिल्ली जाने के लिए हम कार से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, वायुयान से भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, ये सब अकेले अकेले काम करते हैं, लेकिन विकल्प है ये। तो इसमें कहा कि ना तो समुच्चय है और ना विकल्प है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं जो मुक्ति को दे सकती हो, कोई विकल्प नहीं है ज्ञान के अतिरिक्त, ना तो कर्म मुक्ति को देगा और ना उपासना मुक्ति को देगी, ये इनका दृढ़ सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। ज्ञानान मुक्ति, बंधो विपर्ययात और नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं ले लेना है कि इसलिए कर्म ही कुछ नहीं करने हैं और उपासना भी कुछ नहीं करनी है, ये अर्थ नहीं है इसका। हमारा कर्म,
हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहयोगी बने, बस वो ही कर्म मुक्ति के लिए सहायक होगा। हमारी उपासना हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायक बने, संस्कारों को शुद्ध करने में सहायक बने, वो उपासना मुक्ति में सहायक होगी। ये सब ज्ञान को ही देंगे, ज्ञान को ही शुद्ध करेंगे, विवेक को ही देंगे, तो अंततः तो विवेक के कारण ही मुक्ति होगी। और इसलिए योग दर्शन में और उसमें अविद्या का स्वरूप तो बताया कि भाई ये विद्या होनी चाहिए तो मुक्ति हो जाएगी। कहीं पर ऐसा लिखा मिलता है क्या कि इतने कर्म हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी? सुनने में आया किसी से? सुनने में आया कभी? प्रवचन में आया हो, स्वयं शास्त्र पढ़े हो, तो किसी शास्त्र में लिखा मिलता है क्या कि इतने इतने कर्म हो जाएंगे तो अब ये मुक्ति हो जाएगी उसके? कहीं नहीं लिखा मिलता। और किसी के मुखों से सुना हो किसी से, योगियों के, इतने कर्म हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी? और कहीं ऐसा लिखा है कि इतनी उपासना हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। ये किसी से सुना है आपने कि इतने घंटे उपासना कर लोगे तो मुक्ति हो जाएगी? तेरह घंटे ठीक है। तो देखिए, ऐसा हमारे को शब्द प्रमाण भी नहीं मिलता, और जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनके मुख से भी ये कथन नहीं मिलता। ये तो मिलता है कि अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म खाती ख्याति रविद्या, ये अविद्या, इसको दूर कर दोगे तो मुक्ति हो जाएगी, इसका तो एक आकलन मिलता है कि हाँ ये चीज हो जाएगी तो मुक्ति होगी। लेकिन कर्म के लिए, उपासना के लिए नहीं मिलता है। कर्म और उपासना ज्ञान की शुद्धि के लिए ही होते हैं। बस यही साधक को ध्यान में रखना होता है कि कर्म कर रहा हूं तो पुण्य की तरफ ज्यादा ना चला जाए कि पुण्य बनेगा, यानी कि इससे मेरे को जान में कितनी शुद्धि हो रही है, मेरा हृदय कितना पवित्र हो रहा है, बस। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे सेवा हो। और यज्ञ दान सेवा करते हुए भी अगर वहां पर राग आ गया, मोह आ गया, इससे ये शुभ फल मिलेगा, तो उससे वो शुभ फल तो मिल जाएंगे, पुण्य कर्म मुक्ति में सहायक नहीं होगा, वो सीधे सीधे वो सकाम कर्म हो जाएगा। ये सेवा करूंगा तो, ये सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, ठीक है? तो वो तो बस मेवा तो मिल जाएगा, ठीक है, ये ज्ञान नहीं मिलेगा, शुद्ध नहीं होगा। तो ये इनका बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है, ज्ञान ही मुक्ति को देता है, बाकी चीजें इसमें सहायक है, करनी है। सीधे ज्ञान भी नहीं ले सकते, लेकिन इन कर्म और उपासना को करते हुए जो जितनी जल्दी ज्ञान और समझ बना लेता है, बस वो उतनी जल्दी मुक्ति में चला जाता है। थोड़े कर्मों में भी समझ बना सकता है, थोड़ी उपासना से भी समझ बना सकता है, उसके लिए मात्रा, काल, संख्या, इसका कुछ भी पैमाना नहीं है। कितने में समझ में आ जाए, कितना विवेक हो जाए, बस वो ही मुक्ति का कारण है, ठीक है? सांख्य दर्शन की 23वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के सूत्रों को हम देख रहे हैं। शरीरों की चर्चा हुई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और ज्ञान से मुक्ति, बंध से विपर्यय इत्यादि पिछली कक्षा में बातें हुई थी। कल पिछली कक्षा में तो अंतिम तीन सूत्र हुए थे, 23वें में कहा था ज्ञान से मुक्ति होती है, 24वें में कहा था कि विपर्यय से, ज्ञान के विपरीत जो है यानी मिथ्या ज्ञान, उससे बंधन होता है, और ज्ञान के साथ में, ज्ञान चूंकि मुक्ति का नियत कारण है, नियत कारण है, इसलिए उसमें किसी का समुच्चय और विकल्प नहीं होगा, और कोई चीज के साथ मिलकर के वो मुक्ति को दे ये भी नहीं होगा, और अन्य चीजों के विकल्प के रूप में कि या तो ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी या अन्य किसी से हो जाएगी, तो इसमें विकल्प भी नहीं है, समुच्चय और विकल्प दोनों ही नहीं है। नहीं, जो कोई आशंका रखे भी तो उसको बिल्कुल हटा दिया है। यही बात बंधन के विषय में भी हम कह सकते हैं।
बंधन का मुख्य कारण अविवेक पहले अध्याय में इन्होंने चर्चा करके बताया, स्पष्ट किया, अंतिम निर्णय दिया, अन्य कारण नहीं हो सकते। वहां भी हम कर सकते हैं कि उस अविवेक से बंधन होगा, उसमें ना तो किसी का समुच्चय है, और चीजें मिलेंगी तो बंधन होगा, अविवेक है तो बंधन रहेगा, वो अपने आप में बंधन को करने वाला हो जाएगा, और ना इसमें विकल्प है कि अविवेक से बंधन हो जाए, अविवेक से नहीं होगा तो और किसी चीज से बंधन हो जाएगा, उससे बंधन नहीं हुआ तो किसी और से बंधन हो जाएगा, ऐसा विकल्प भी नहीं है। मुक्ति के लिए भी नियत कारण है ज्ञान, और बंधन के लिए भी नियत कारण है विपर्य, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान है तब तक बंधन चलता रहेगा। अब इसी बात को और आगे कुछ और शब्दों से खोल रहे हैं, तो 26वां सूत्र बोलिए। स्वप्न जागराभ्याम इव मायिक अमायिकाभ्याम न उभयोः मुक्तिः पुरुषस्य। स्वप्न जागराभ्याम इव, स्वप्न और जागृत अवस्था के समान, इनके द्वारा, जैसे स्वप्न का मतलब है जिस समय हम सोते हुए विभिन्न चित्रों को, क्रियाओं को मन में देखते हैं, सुषुप्ति नहीं, गाढ़ निद्रा नहीं, स्वप्न जिसमें सपने देखते हैं, वो स्थिति है यहां पर स्वप्न। और जागराभ्याम, जागर मतलब तो जब हम जगे हुए होते हैं, जगते हुए के समय, ये दो स्थितियां हैं। और ये दो स्थितियां कैसी हैं, तो इनके लिए विशेषण दिया इन्होंने, मायिक और अमायिक। मायिक का मतलब है जो माया से युक्त होता है, मायावी शब्द आपने सुना है, जादूगर मायावी, मायावी जादूगर, उसका नाम ही मायावी था, जादूगर को भी मायावी बोलते हैं, जो वैसे ही कल्पना में माया को खड़ा कर देता है, मिथ्या, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमें यूं दिखाई देता है, जैसे हाथ में से इसने फूल बना दिया, व्यक्ति को कहीं समाप्त कर दिया, उसको काट दिया, हवा में लटका दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो वो दिखाते हैं, कागज से रुपए बना दिए, मुंह में से गोले निकाले जा रहे हैं, खाली खाली डब्बे में से सामान निकाले जा रहे हैं, ये बहुत सारा जो दिखाते हैं, ये क्या है, माया है। तो ऐसी चीजें, तो मायिक, मायिक कौन है, स्वप्न, स्वप्न के साथ में मायिक को जोड़ा है, ये स्वप्न में कैसी कैसी चीजें दिखती हैं, ऐसी विचित्र विचित्र दिखती है, हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, स्वप्न में हम देखते रहते हैं, क्योंकि वास्तविक नहीं होती, जैसे जादूगर वास्तविक ना होते हुए भी चीजों को इधर उधर दिखाता रहता है, हमें दिखती रहती है, तो ये स्वप्न के साथ जोड़ेंगे मायिक को। और जो जागृत अवस्था में वस्तु होती है, ये वास्तविक होती है, ये अमायिक होती है, ये मायिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये चीजें वास्तव में होती है, हम जानते हैं, उसको पकड़ते हैं, उस तक पहुंचते हैं, उसका उपयोग ले लेते हैं या उसको हटाते हैं, ये सब व्यवहार कर पाते हैं जानने के बाद, इससे पता लगता है कि ये वस्तुएं हैं वास्तव में। तो स्वप्न और जागरी, जागर, ये कैसे हैं, मायिक और अमायिक, तो मायिक स्वप्न के द्वारा और अमायिक जागरिक अवस्था, जागृत अवस्था के द्वारा, इन दोनों के समुच्चय से या विकल्प से हम अपने कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इन दोनों के समुच्चय से, कि जब तक स्वप्न में भी वो बात नहीं आएगी और जागृत अवस्था में नहीं भी नहीं होगी, तब तक हम उन वस्तुओं से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, समुच्चय हो सकता है क्या, कि दोनों होंगे, हमारे को जागते समय भी ये चीज दिखे और स्वप्न में भी दिखे, तब हम उससे व्यवहार कर पाएंगे, ऐसा समुच्चय हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। विकल्प हो सकता है क्या, कि जागते समय भी देखा तो व्यवहार हो गया, जागते समय तो हो ही जाता है व्यवहार, और स्वप्न में भी देखा और वहां वहां भी व्यवहार हो गया हमारा,
चाहे तो जागते समय जो ज्ञान हो रहा है उससे व्यवहार कर लो, चाहे स्वप्न के समय जो ज्ञान हो रहा है उससे व्यवहार कर लो, किसी से भी कर लो, किसी भी एक से कर लो, विकल्प है और उससे हमारा जीवन चल जाएगा। ऐसा हो सकता है? जागते समय वाला तो हो सकता है, लेकिन विकल्प के रूप में स्वप्न नहीं आ सकता। स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है उससे हम व्यवहार नहीं कर सकते, उससे हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो जैसे स्वप्न और जागरण में समुच्चय नहीं हो सकता हमारे व्यवहार के लिए, और ना ही इनमें विकल्प हो सकता है, न तो एक नियत कारण ही है व्यवहार के लिए, जागृत अवस्था में ठीक ठीक जानना और व्यवहार करना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का, अथवा सामान्य कर्म और ज्ञान, इनमें न तो समुच्चय है और न ही विकल्प है। जो मुक्ति मुक्ति और बंधन की दृष्टि से बात है, ये होगा तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी और विपर्य मिथ्या ज्ञान के कारण से बंधन बना रहेगा, बस यही मूल कारण है। तो स्वप्न और जागरण के समान माइक माइक जो माइक और अमाइक ये हैं, इनसे ना उभयो हो, इन दोनों से, दोनों से मतलब ना तो समुच्चय से ना विकल्प से, मुक्ति ही पुरुषस्य, पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती, इन दोनों से पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ये सोचे कि मैं समुच्चय से कर लूंगा, कोई ये सोचे कि मैं विकल्प से कर लूंगा, इनके विकल्प से, तो इन दोनों ही तरीकों से पुरुष की मुक्ति नहीं हो सकती, इनका निश्चय। एक ही नियत कारण लेना पड़ेगा, जो भी निश्चित कारण है ज्ञान, वो ही उपाय में लाना पड़ेगा, तो ही मुक्ति हो पाएगी, ये इनका निश्चय। अभी आगे देखिए, अब जब ये बात कही इन्होंने कि भाई कर्म से उपासना से भी मुक्ति तो होगी नहीं, तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, यदि ऐसा है तब तो जिन कर्मों को और जिन ध्यान आदि साधनों को आप मुक्ति का उपाय बताते हैं, फिर तो इनसे भी नहीं होनी चाहिए। अध्याय के प्रारंभ में, पहले अध्याय के प्रारंभ में, ग्रंथ के प्रारंभ में ही जब कहा कि अदृष्ट साधनों से त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो सकती है, दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती, तो उन अदृष्ट साधनों के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई थी, ज्ञान भी था उसमें, उसमें निष्काम कर्म भी थे और उसमें ध्यान उपासना भी था, बहुत सारी चीजें अदृष्ट में आ जाती हैं, आंतरिक कार्यों से। तो ये पूर्व पक्षी बात को रख रहा है कि यदि आप ये मानते हो कि इनका समुच्चय और विकल्प नहीं है, विकल्प तो चलो ठीक है, समुच्चय तो है इनका कम से कम, क्योंकि आप भी उपदेश करते हो, आपके शास्त्रों में भी बताया हुआ है इन कर्मों को करने का, विशेष रूप से निष्काम कर्मों का, सकाम कर्मों से चलो नहीं होती मान लिया, लेकिन निष्काम कर्मों को तो आप मुक्ति का सहायक मानते हैं, तो निष्काम कर्म से तो अगर आप ये कहते हो कि कोई भी समुच्चय नहीं है इसमें, विकल्प नहीं है, तब तो निष्काम कर्मों से भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए वो आक्षेप कर रहा है, बोलिए 27वां, इतरस्यापि न आत्यंतिकम, आत्यंतिकम मतलब आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत दुखों की निवृत्ति यानी मुक्ति, इतरस्यापि दूसरे से भी, दूसरे की भी यानी निष्काम कर्म से भी, ज्ञान से तो होगी ये तो उसने कह दिया, चलो मान लिया, लेकिन ये जो दूसरा आप सहायक निष्काम कर्मों को तो सहायक बताते ही हैं, उससे भी फिर तो मुक्ति नहीं होगी, ये आक्षेप किया। और आक्षेप किया आगे अगले सूत्र में 28वें में पूर्व पक्षी बोलता है, बोलेंगे संकल्पिते अपि एवं, जो संकल्प के द्वारा कर्म किए जाते हैं यानी मन के द्वारा किए जाते हैं, निष्काम कर्म तो मैं तो बाहर का रूप भी रहता है, हम परोपकार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जिनको भावना अंदर निष्कामता की है, लेकिन कर्म तो बाहर दिखाई दे ही रहा है हमारे को, बाहर रूप तो है उसका, तो उससे तो नहीं, लेकिन जो केवल संकल्पिक कर्म है आंतरिक रूप से किए जाते हैं, बाहर से नहीं होते,
बाहर के कर्मों में फिर भी कह देंगे भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि बाहर का हो रहा है इसलिए उसमें कुछ ना कुछ हिंसा हो रही है या कुछ मिश्रित हो रहा है, कोई कह सकता है। लेकिन जो आंतरिक कर्म है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि योगियों के साधकों के जो आंतरिक कर्म होते हैं, जो एकांत में बैठ करके अपने मन में करते हैं, फिर तो उनसे भी मुक्ति नहीं होगी। आपने तो एकदम ऐसे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश कर दिया कि ज्ञान के अतिरिक्त तो किसी का समुच्चय विकल्प है ही नहीं, आपने तो सबको हटा दिया। तो निष्काम कर्म में भी फिर तो मुक्ति नहीं होगी, और संकल्पिक कर्म जो ध्यान उपासना आदि है, योगांगों का अनुष्ठान है, फिर तो उनसे भी मुक्ति नहीं होगी, वो भी साधन व्यर्थ हो गए आपकी दृष्टि से। तो ये दो आक्षेप किए, इनका उत्तर सिद्धांती 29वें सूत्र में दे रहे हैं। बोलेंगे भावना उपचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत्। भावना के उपचय से, भावना मतलब अंदर जो भावना बनती है हमारी पवित्र भावना, उसके उपचय से, इकट्ठा होने से, किनके द्वारा? ये जो जिन दो चीजों का पूर्व पक्षी ने खंडन किया है कि फिर तो निष्काम कर्मों से भी मुक्ति नहीं होगी, या फिर तो आंतरिक जो जप ध्यान आदि कर्म है उनसे भी मुक्ति नहीं होगी, तो बोले इन दोनों कर्मों से। ये तो हम कह रहे हैं कि ये इनसे सीधे सीधे मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ये मुक्ति के साधन तो अवश्य है। कैसे है? बोले इनसे भावना का उपचय हो जाता है, संस्कार पड़ते हैं हमारे पर, शुभ संस्कार पड़ते हैं निष्काम कर्म से भी और ध्यान साधना आदि से भी। इनसे भावना का जब उपचय होता चला जाता है धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही तो हम अपने अंदर को सुधारते हैं, तो भावना के उपचय से जो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध से उस व्यक्ति की, इनको करते 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 वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की सर्वम सब कुछ प्रकृतिवत हो जाता है, सब कुछ बहुत स्वाभाविक हो जाता है। अभी प्रारंभ में हमें निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन प्रतीत होगा, होता है कि अंदर कोई कामना ही नहीं रखनी, यश की भी कामना नहीं, दूसरा कोई दुआ कर दे हमारे सेवा पे, आशीर्वाद दे दे, इसकी भी कामना नहीं करनी, ये तो आ ही जाती है, इसका कोई शुभ फल मिले, इससे मैं कुछ नहीं लूंगा, इनकी सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरे को अच्छा तो होना चाहिए, मेरा देखो मन में शांति तो मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो कामना आ ही जाती है। तो उन कामनाओं से रहित होकर के कर्म करना बहुत कठिन होता है, विशेष प्रयास करके करने होते हैं, काम कर रहे हैं उसमें सकामता आ रही है, यश की इच्छा हो रही है, मैं करूंगा लोग अच्छा कहेंगे मेरे को, मेरा नाम होगा, अभी कामना तो आ रही है लेकिन विशेष बल लगा करके नहीं, ये कामना मेरे को नहीं करनी है, यश की इच्छा नहीं करनी है, और फिर इन सब प्रयत्न करके बल लगा करके हम उस तरफ कर पाते हैं, सहज नहीं होता है वो, स्वाभाविक नहीं होता है। ऐसे ही यम नियम के पालन में भी लगेगा, अंतर गुस्सा आ रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, नहीं लेकिन गुस्सा करना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं करनी, अपने को रोका है, फिर बल लग रहा है उसमें, रोका अच्छी बात है, ये भी साधना का भाग है, लेकिन जब तक भावना का उपचय नहीं हो जाता है तब तक ये सारी चीजें बड़े जोर लगा करके होती है, बल लगता है इसके अंदर, वो प्रकृतिवत स्वाभाविक नहीं हो जाते। तो हमारी ये सारी चीजें स्वाभाविक हो जाएं, अब मुक्ति की इच्छा करना यही बल लगा करके करना होता है, नहीं तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती, सांसारिक चीजों की तो इच्छा होती है, धन की इच्छा हो जाती है, मकान की इच्छा होती है, गाड़ी की इच्छा होती है, संतानों की इच्छा होती है, यश की इच्छा होती है, वो ये इच्छाएं हम बल लगा के थोड़ा ना करते हैं, स्वभावतः होती है हमारी, हमारे संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं कि उसी तरफ हमारे को इच्छा होती है, लेकिन कहो कि मुक्ति की इच्छा करो तो जोर पड़ता है, खूब समझते हैं, विचार करते हैं, ज्ञान को उभारते हैं, तब जाकर के होती है, ईश्वर को स्मरण करते हैं तब सोच विचार के तब तो होती है थोड़ी देर के लिए, प्रारंभ में सबके साथ ऐसा ही होता है, फिर चली जाती है वो। यही तो कहते हैं कि शिविर में आते हैं और अच्छा लगता है भावना, घर जाते हैं तो फिर ढीले पड़ जाते हैं, बहुतों के साथ ऐसा होता है, वो क्यों नहीं बनी हुई रहती,
अभी बल लग रहा है, अभी प्रयत्न करना पड़ रहा है, अभी वो प्रकृतिवत नहीं हुआ है हमारे, स्वाभाविक नहीं बना है, साथ में नहीं हुआ है हमारे को, स्वभाव में नहीं आया। तो ये कैसे होगा? तो बोले ये जो निष्काम कर्म है, ये जो ध्यान उपासना आदि सांकल्पिक कर्म है, इनको करते करते भावना का उपचय होता है, संस्कार बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, और ऐसा होते होते जब वो शुद्ध हो जाएगा अंदर से, संस्कारों की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा, तो सर्वम प्रकृतिवत, सब कुछ सहज स्वाभाविक हो जाएगा, वो मुक्ति की ही इच्छा करेगा, और कोई इच्छा ही नहीं आएगी उसको, उसी को ध्यान में रख के बाकी इच्छाएं होंगी, सारे कर्म उसी को ध्यान में रखते हुए सहजता से होंगे, बल नहीं लगाना होगा। तो ये जो स्वाभाविक स्थिति आनी है, प्रकृतिवत होना है, उसमें ये कर्म और ये ध्यान आदि और निष्काम कर्म सहायक होते हैं, इसलिए इनको साधन के रूप में हमने लिखा है। लेकिन ये होते हुए भी शुद्ध तो होना होगा, ज्ञान की शुद्धता तो आएगी, तब ये सारा ठीक होगा। तो सूत्रकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ज्ञान यद्यपि मुख्य कारण है, वही एक अकेला कारण है मुक्ति के लिए, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये चीजें साधन रूप में आवश्यक हैं, और जो हमारे विभिन्न ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हुई हैं, अच्छे कर्म इत्यादि करने का, तो उनका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वो मुक्ति में आधार नहीं बनती है, उनसे केवल हमारी भावना का उपचय होके शुद्धि होती है, और फिर सब कुछ सहज हो जाता है हमारा। तो वैराग्य हमारा सहज होगा, विवेक हमारा सहज होगा, संयम हमारा सहज होगा, ध्यान काल में वृत्तियों का रुकना सहज होगा। अभी वृत्तियों को रोकना बहुत कठिन लगता है, बहुत बल लगाना पड़ता है, विवेक लाना पड़ता है, बार बार वृत्तियां आती हैं, फिर रोकेगा, फिर आएंगे, फिर रोकेगा, चलता ही रहता है, ये सहज कहाँ है? ये तो प्रयत्न पूर्वक हो रहा है, बहुत बल लगाना पड़ रहा है, सहज स्वाभाविक कहाँ है? उसका कारण यही है कि अभी भावना का उपचय पूरा नहीं हुआ है, अभी शुद्धि अंदर पूरी नहीं हुई है, अभी दूसरे संस्कार हैं, विपरीत संस्कार हैं, जो इस स्थिति से हमारे को खींच लेते हैं, वो संस्कारों का वेग ऐसा होगा कि दूसरी वृत्तियां उठ जाएंगी। तो वहां वृत्ति निरोध कैसे हो, उसके लिए इनका निष्काम कर्मों का जप आदि का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए भले ही ज्ञान से ही मुक्ति होती हो, इसका मतलब ये दूसरी चीजों का हम निषेध नहीं कर रहे, और जो बताया गया है वो गलत नहीं है, दूसरे उपायों को बताया वो गलत नहीं है। तो भावनोपचय शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत, सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है, सहज हो जाता है। हाँ, अब पूछिए, कुछ पूछना है। आचार्य जी, अभी जो प्रकरण चल रहा है, इसके अनुसार पूरी तरह से ये समझ लिया जाए कि ये अन्य जितने भी कारण हैं, इनमें मुख्य जो कारण है वो विवेक ज्ञान है, अन्य सब गौणिक कारण माने जा सकते हैं, मुख्य नहीं है, ऐसा स्वीकार किया जाए? बिल्कुल ठीक है, यही बात कह रहे हैं जी। इस प्रकार से तो एक प्रश्न मस्तिष्क में उभर रहा है कि गौण रूप से तो दृष्ट कारण भी सहायक होते हैं, हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। उसको हमें कैसे देखना होगा कि दृष्ट साधन का मतलब, जैसे कि हम भूख के लिए भोजन करते हैं, प्यास के लिए पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये दृष्ट साधन जो है जी, इन दृष्ट साधनों से हमें शारीरिक और इंद्रियों का सुख सुविधा मिलती है। अब यही हमारा लक्ष्य बना रहेगा तो अब ये दृष्ट साधन मुक्ति में सहायक नहीं बनेंगे जी, ये बाधक बनेंगे, विपरीत संस्कार आएंगे हमारे पे। लेकिन जब मुक्ति का लक्ष्य रहेगा तो ये दृष्ट साधन हमारी मुक्ति में सहायक बनेंगे, क्योंकि इन भोजन आदि को करके हम भूख मिटा के बल प्राप्त करके अब उसका उपयोग दिन भर हम साधना में कर रहे हैं, स्वाध्याय में कर रहे हैं, निष्काम कर्मों में कर रहे हैं, ये मुक्ति के लिए जो आवश्यक कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उसमें हमें सहायता मिल रही है, इसलिए ये दृष्ट साधन भी मुक्ति के सहायक बनेंगे। इसीलिए तो कहा भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य है ये भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है, यहां भी इसमें भी आया, वो योग दर्शन का यहां भी आया है कि बंधों के भोग के लिए और जो मुक्त है उसके लिए ये सारा संसार बना है।
तो ये तो मुक्ति के लिए बना ही है, दृष्ट साधन भी हमारे मुक्ति के लिए है ही। ये जो दृष्ट साधनों का निषेध किया गया वहां, ये तात्पर्य नहीं है कि इनको छोड़ देना है, और कोई योगी छोड़ भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं छोड़ेगा, आवश्यक है ये। तो ये सारे दृष्ट साधन, जितनी चीजें हमें अभी मुक्ति में बाधक दिखाई दे रही हैं जी, ये घर, ये मकान, ये रुपए, पैसे, ये सब चीजें मुक्ति में सहायक हो सकती हैं, यदि इनका उपयोग हम उसके अनुरूप, मार्ग के अनुरूप और उसमें सहायक के साधन के रूप में करें तो। जी, तो वहां पर दृष्ट साधनों को जो एकदम अस्वीकार किया गया है, वहां पर पुरुषार्थत्व बाद में इसी दृष्टिकोण से कहा गया है? पुरुषार्थत्व तो है ही उसका, अत्यंत पुरुषार्थत्व नहीं है कि इनके द्वारा हम त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कर लें, मात्र इनके द्वारा ये संभव नहीं है, और इसलिए पुरुषार्थता स्वीकार की गई है। जी, आपके प्रश्न में, परीक्षा में एक मैंने जो प्रश्न रखा था पुरुषार्थता, जी अधिकांश का उत्तर तो पुरुषार्थ मतलब अत्यंत पुरुषार्थ और मुक्ति, क्योंकि मुक्ति से नीचे की तो बात ही नहीं चलेगी। मैं अत्यंत पुरुषार्थ भी तो परीक्षा में लिख सकता था, एक दो ने कुछ ने लिखा है उसको, उस भी संकेत रूप में, मुख्य तो अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो पुरुष का प्रयोजन और वो मुक्ति ही है, उस पे भी ध्यान उसी लिए दिलाना चाहता था कि भाई कौन इस पे ऐसा लिखता है, नहीं तो सरल लगेगा, चाहे अत्यंत पुरुषार्थ कहो, पुरुषार्थ कहो, तो कुछ भी शब्द लिख दो, उसमें ये बताना था कि पुरुषार्थ किसमें है, इन चीजों से हमारा लक्ष्य पूरा होता है, पुरुष का प्रयोजन पूरा होता है, तो ये भी पुरुषार्थ है, उस पर जोर देना था। हाँ, मुक्ति भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो सामान्य नहीं, वो अत्यंत पुरुषार्थ है, तो इनका पुरुषार्थत्व है, ये स्वीकार्य है। वैदिक धर्म में कहीं भी प्रकृति को हे उस रूप में त्याज्य ऐसा नहीं कहा गया, धन संपत्ति ऐश्वर्य शरीर इनकी निंदा नहीं है, ये स्वीकार्य है, और ईश्वर भक्त इनको नकार भी नहीं सकता है, जो सच्चा ईश्वर भक्त है वो इस प्रकृति को गाली नहीं देगा कि ये बंधन का कारण है, वो उसे परमात्मा की रचना दिखाई देती है, और परमात्मा में वो, परमात्मा को वो निर्दोष मानता है, सर्वज्ञ मानता है, तो उसकी रचना ऐसी कैसे हो सकती है जो हमारे को बंधन में दे रही है। ये जब इसी को हम बंधन का कारण मानते हैं, ये वो प्रवृत्ति है जिसमें हम स्वयं को कारण नहीं मानते, दूसरों को कारण मानते रहते हैं, जैसे सामान्य जीवन में होता रहता है, कहीं से झगड़ा हो गया तो हमें लगता है कि दूसरे के कारण से हुआ, क्रोध आया तो दूसरे का कारण से, ठीक है वो भी एक कारण बनेगा, लेकिन एक हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों पे आरोपण करते हैं अधिक, अपना नहीं देख के, क्योंकि लगता है मैं तो शांति बैठा था, ये आया, इसने ऐसा किया, तभी तो मेरे को गुस्सा आया, तभी तो मेरे में विकार आया, तो हम सारा का सारा दूसरे में देखते हैं, तो भौतिक जगत में तो ऐसा होता ही है, लेकिन वो मूल प्रवृत्ति अध्यात्म वालों में भी आती रहती है, और वो पता भी नहीं लगता कि वही प्रवृत्ति काम कर रही है। इतनी गालियां देंगे आध्यात्मिकता के नाम से शरीर को, प्रकृति को, और इसी में अपनी पूरी आध्यात्मिकता समझते हैं, जैसे कि पूरा वैराग्य हो गया है उनको, और ऐसा करते हुए परमात्मा की हम एक तरह से निंदा करते हैं, और उन्हें निंदा प्रतीत नहीं होती, प्रकृति की निंदा कर रहे हैं, परमात्मा की थोड़ा ना कर रहे हैं। अब किसी चित्रकार के चित्र की निंदा कीजिए आप, और चित्रकार पास में हो उसको कैसा लगेगा, किसकी निंदा है वो? एक प्रकार से चित्रकार की ही निंदा है। आप माता पिता हैं, आप में से बहुत सारे, आपके बच्चे की कोई निंदा करे कि इसको इतना भी नहीं आता है, और निंदा तो बच्चे की है, और माता पिता को लगेगा हमारे पे कि हमने इस बच्चे को सिखाया नहीं है, तो एक तरह से हमारी निंदा हो गई। हमारी गाड़ी है, कोई कहे कि गाड़ी कैसी है, इसका घर कैसा है, तो गाड़ी और घर की निंदा होते ही क्या होता है, हमारी निंदा होगी, क्योंकि हम ही ने तो बनाया, हम ही ने तो ऐसा कर रखा है, परमात्मा ने ही ऐसी प्रकृति बनाई है जो हमारे बंधन का कारण है। काश ऐसा परमात्मा नहीं होता और ऐसी प्रकृति नहीं बनाता तो हम बंधन में ही नहीं आते। ये एक ऐसा चक्र है कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि मैं
कैसे दूसरों पे दोषारोपण कर रहा हूं। सांख्य दर्शन ये सम्यक ज्ञान यही दे रहा है कि ये दूसरे को बंधन का कारण मत मानो, ये अविवेक खुद का है जो बंधन का कारण है। कारण तो अपने में है, उसको दोष दे करके क्या कोई मुक्त हो जाएगा? उसको गालियां दे दे करके मुक्त हो जाएगा क्या? उससे बल्कि भ्रांति रहेगी कि हाँ ये गलत है, मैं तो शुद्ध पवित्र हूं, मैं तो नित्य शुद्ध हूं, मेरे में तो कोई विकार आ नहीं सकता, मेरे में तो अज्ञान आ नहीं सकता, बस ये हट जाए और मैं मुक्त हो जाऊं, तो दृष्टि ही बदल जाएगी। वो कहीं उन्हीं को छोड़ता रहेगा, कभी धन को छोड़ेगा, कभी घर को छोड़ेगा, कभी आश्रम को छोड़ेगा, कभी चप्पल को छोड़ेगा, कभी बालों को छोड़ेगा, कभी कपड़ों को छोड़ेगा, कभी भोजन को छोड़ेगा, कभी मित्रों को छोड़ेगा, कभी बातचीत छोड़ेगा, कभी पुस्तक पढ़ना छोड़ेगा, कभी प्रवचन देना छोड़ेगा। ये सारे उसको बंधन ही बंधन दिखेंगे, वो यही छोड़ता रहेगा। और ये यही आप देखेंगे साधकों में, ये छोड़ा वो छोड़ा, अब ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, साधना होती जा रही है और ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं। नहीं, छोड़ने का अपना उद्देश्य है, वो अलग प्रयोजन है कि उनसे प्रभावित ना हो, लेकिन इस दृष्टि से जब व्यक्ति छोड़ने लगता है इनमें दोष देख करके, तो इसलिए ये तो पुरुषार्थ हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं, ये दृष्टि अवश्य रहे। ये उस तरह से त्याज्य नहीं है जैसा कि अध्यात्म में प्राय प्रस्तुत कर दिया जाता है, ऐसा वैदिक धर्म में नहीं है। ये जो कथन है ये अति में जाकर के, कई मत संप्रदाय अध्यात्म और साधना और धर्म के नाम पर यही बोलते रहते हैं और बहुत ऊंचे वैराग्य की स्थिति में बोलते हैं, ये इससे बढ़कर के तो निर्लिप्त अवस्था है ही नहीं, एक पक्ष में गए हुए, अति में गए हुए हैं। वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है, ये दर्शनों में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जहां कथन होगा वो भिन्न दृष्टि से होगा। तो पुरुषार्थता है इनकी, बिल्कुल ठीक है।